हमारा युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में, वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें, उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। और जब समस्या आती है, अंतर यही है, आप समस्या पर चर्चा करते हैं, समस्या पर चिंतन करते हैं, हम लोग समाधान पर चिंतन करते हैं। महोदय समाधान के यानी समस्या के दो ही समाधान होते हैं, और दोनों का नाम एक ही है, भाग लो भाग लो। यानी एक भाग लो का मतलब हम उसमें उस चैलेंज को स्वीकार करें, उसका समाधान निकाल लें, और एक प्लान कर लो। आपने प्लान का रास्ता अपनाया तो जनता ने आपको प्लाइट कर दिया। हमने चैलेंज को स्वीकार किया तो हमारा श्रमिक हमें सम्मान देने के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, वार्डिक होकर के हमारे साथ खड़ा हुआ, उसने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होकर के काम किया। आज उत्तर प्रदेश ने प्रवासी हो या निवासी, हर श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे दी है। जनहानि की बात मिल्कीपुर से हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं अवधेश प्रसाद जी बोल रहे थे, आप जो चित्र बता रहे थे संभवतः वह वहीं का था। हमने कुछ और योजनाएं प्रारंभ की, आपके उसमें इसलिए आना आवश्यक है क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके आज यहां पर सदन में भी आप आए, और साथ साथ आपने ये चीज़ें भी यहां पे जब इस सदन को ई विधान के साथ जोड़ने का काम हुआ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ एक पूरा सदन जुड़ा, देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया। जब एक मंच पर एक कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सब एक साथ उस अभियान के साथ जुड़े, मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। देखिए यह अवसर राजनीति करने का नहीं होता जी, राजनीति करने के लिए आपके पास भी ढेर सारे अवसर हैं, हमारे पास भी ढेर सारे अवसर हैं, और ये अवसर होते हैं जब हम लोग मिल करके प्रदेश की छवि को देश के अंदर अच्छी बना सकते हैं। मैसेज देश के अंदर जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं कि देखिए साहब किस रूप में काम हो रहा है। और क्या प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म का परिणाम नहीं आया, यहां इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर कार्य मिला, और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया, यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब 18 फरवरी 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए, अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया, और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला, उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में
एक नई स्थिति लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है, तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को फिर से हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं? क्या विपक्ष को अपने साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे एक साथ मिलकर के सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए? आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आएगी दोनों को मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग का एक कार्यक्रम यहां पर आज अगर हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप लोग भी अगर यही बोलेंगे कि साहब यहाँ बाहर जाकर के आप उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे साहब नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चल सकता है? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह अभी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं मैं क्या कर रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं, कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए भी। वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है। और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता देखिए आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी, नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल रहे हैं कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है देखिए जब समाजवाद की बात होती थी डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी क्यों शिवपाल जी की देखता हूँ, कभी कभी उनका आलेख आता है, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं लेकिन पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं, यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है।